हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। हाल ही में एक पोटैटो वैरायटी जिसका नाम है FL2027, इसका बेसिकली एक पेटेंट जो है ये रिजेक्ट कर दिया जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट इस डिसीजन को अपहोल्ड करता है। और जो पेप्सिको जो कंपनी इन्वॉल्व है यहाँ पे, बेसिकली पेप्सिको, इनकी जो अपील है बेसिकली वो रिजेक्ट कर दी जाती है रिगार्डिंग FL2027 वैरायटी ऑफ पोटैटो। आइए इस मैटर को डिटेल से डिस्कस कर लिया जाए। क्या है ये टॉपिक बेसिकली, न्यूज़ देखें अगर हम सबसे पहले तो, दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ PPVFRA रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ पेप्सिको इंडियाज IPR प्रोटेक्शन फॉर पोटैटो वेराइटी FL2027। अब यहाँ पर बेसिकली इनका एक पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है PPVFRA के द्वारा। और ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन पेप्सी को बेसिकली चैलेंज करता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज किया जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट PPVFRA के डिसीजन को सही ठहराते हैं और पेप्सी को की अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बेसिकली PPVFRA इज स्टैचुटरी बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, बेसिकली PPVFRA एक स्टैचुटरी बॉडी है। अब हम पूरा केस समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि FL2027 है क्या, क्या इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का केस था, क्यों PPVFRA ने ये अपील जो है रिजेक्ट की और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जो डिसीजन को सही ठहराया। पूरा क्रोनोलॉजी ये है। अब बेसिकली FL2027 पोटैटो वेराइटी है क्या, अब आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा वेफर्स या फिर चिप्स के लिए, लेज। आई एम श्योर आप लोगों ने ये सुना ही होगा, बहुत कॉमन है। बेसिकली लेज की जो कंपनी है ना वो है पेप्सिको, ठीक है। और लेज यानी कि पेप्सिको जिस पोटैटो की वैरायटी से लेज के जो वेफर्स बनाती है वही पोटैटो है FL2027। बेसिकली फ्रीटोले एग्रीकल्चरल रिसर्च में FL2027 को डेवलप करने वाले हैं रॉबर्ट डब्ल्यू होप्स। इन्होंने फ्रीटोले एग्रीकल्चरल रिसर्च में इस पर्टिकुलर वैरायटी को डेवलप किया और ये वैरायटी स्पेसिफिकली लेज के वेफर्स के लिए ही बनाई गई। और इसके पीछे एक बहुत खास वजह है, वो वजह ये है कि इस पोटैटो की वैरायटी में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होता है, शुगर कंटेंट ये भी कंपैरेटिवली कम होता है। अब आप सोचिए, मॉइस्चर कंटेंट भी कंपैरेटिवली कम है, शुगर कंटेंट भी कंपैरेटिवली कम है और ड्राई मैटर जो है, बेसिकली पोटैटो का जो ड्राई मैटर है ये ज्यादा है, ड्राई मैटर ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, शुगर कंटेंट कम है। तो बेसिकली जब वेफर्स बनाए जाते हैं यानी कि जब चिप्स बनाए जाते हैं तब मॉइस्चर कंटेंट अगर कम है तो चिप्स बनाने के दौरान जो एनर्जी कंजम्पशन है ना, जो फ्राई करते हैं हम चिप्स को, तो चिप्स को अगर फ्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा फ्राई करने में और ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा एनर्जी भी लगेगी। अब यहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम है तो बहुत ईजिली फ्राई हो जाता है ना, और जो एनर्जी है बेसिकली जो भी गैस LPG जो भी यूज होता है बेसिकली वो भी कम यूज होता है, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर एनर्जी में सेविंग होगी कंपनी की, ठीक है। दूसरा शुगर कंटेंट भी कम है। अब शुगर कंटेंट कम है ना तो इस कारण से क्या होता है कि फ्राई करते हुए अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है ना तो ये डर नहीं होता है कि जो वेफर है वो काला पड़ जाएगा, मतलब चिप्स जो है वो ब्लैकिश या ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे लेज के जो चिप्स आते हैं उनका सबका कलर एकदम यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। उसका रीजन है पोटैटो की ये वैरायटी, क्योंकि शुगर कंटेंट कम होता है और मॉइस्चर कंटेंट कम होता है इसीलिए इसका कलर काफी यूनिफॉर्म होता है फ्राई करने के, मतलब जब फ्राई करते हैं बेसिकली तब भी इसमें ज्यादा आप देखेंगे कि ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट एज वेल एज शुगर कंटेंट कम है और काफी कम एनर्जी यूज होती है, रीजन बींग मॉइस्चर कंटेंट कम है और ड्राई मैटर ज्यादा है। तो आप सोचिए कंपनी पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे तो काफी बेनिफिशियल डील है उनके लिए, कम एनर्जी खर्च होगी क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम है और ब्राउनिश या ब्लैकिश होने के चांसेस भी बहुत कम है, तो इस कारण से एक बहुत अच्छा टेक्सचर वेफर्स को मिल पाएगा। और आप खुद सोचिए ना, एज अ कंज्यूमर आप जला हुआ चिप्स खाना तो नहीं पसंद करेंगे ना,
आप खुद भी बोलेंगे कि यार जो मतलब टेक्सचर जिसका बहुत अच्छा होगा, जिस वेफर का, जिस चिप्स का, आपको वो ऑटोमेटिकली पसंद आएगा, ठीक है। तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वैरायटी इनके लिए बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के दे रही है ना। अब बेसिकली पेप्सिको इंडिया ने इस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए एक एप्लीकेशन दिया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, ठीक है। अब हमने देखा कि क्यों जरूरी क्यों है ये, है ना, जरूरत क्या पड़ी इसकी। हमने देखा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब बेनिफिट्स हैं तो बहुत सारी और भी कंपनीज हैं वेफर्स के बिजनेस में, चिप्स के बिजनेस में, ऑब्वियस सी बात है यार, और वो है तो उनके हाथ अगर ये पटाटो की जो वैरायटी है ये लग जाएगी तो उनके भी तो वेफर्स ऑटोमेटिकली मार्केट में लाइक टेक्सचर और वो सारी जो चीजें हैं तो वो सारे बेनिफिट्स तो उन्हें भी होंगे ना, बाकी कंपनीज को भी। तो इसीलिए पेप्सिको ने बेसिकली यहाँ पर एक सर्टिफिकेट की डिमांड की थी रजिस्ट्रेशन के लिए FL2027 की। तो इन्हें एक्सटेंट वैरायटी का सर्टिफिकेट 2016 में दिया गया था, PPVFRA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाता है बेसिकली एक्सटेंट वैरायटी का 2016 में, ठीक है। अब जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है ना एक्सटेंट वैरायटी का, तो इसमें एक फायदा ये होता है कि जब तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है ना, जब तक ये वैलिड है तब तक कोई भी और एंटिटी इस पर्टिकुलर वैरायटी का कमर्शियल प्रोडक्शन, सेलिंग, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बिना ब्रीडर की, यानी कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, बिना इनके परमिशन की ये सारे काम नहीं कर सकती कोई भी और एंटिटी, यानी कि प्रोडक्शन, सेलिंग, एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट, जब तक ये वैलिड है। मतलब अगर सपोज एग्जांपल के लिए समझें, ये 7 साल के लिए वैलिड है तो 7 साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये सारे काम करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि जो ब्रीडर है यानी कि पेप्सिको इंडिया इन दिस केस, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो या तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इस सर्टिफिकेट की वजह से, एक्सटेंट वैरायटी के सर्टिफिकेट की वजह से इनके पास कितने सारे राइट्स थे इस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए। बट अब यहाँ पर इश्यू क्या हुआ, जब इनके पास ये सर्टिफिकेट था तो ये सारा जो केस है ये माजरा है क्या? ये माजरा शुरू होता है यहाँ से, लगभग जब ये इनको रजिस्ट्रेशन मिला उससे, मतलब ये सर्टिफिकेट मिला उससे पहले की बात है कि पेप्सिको ने FL2027 को एज अ न्यू वैरायटी रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। ये चाहते थे कि एक्सटेंट वैरायटी के बजाय जो सर्टिफिकेट मिले वो मिले इन्हें न्यू वैरायटी के रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें टोटली इनकी मोनोपोली हो जाती है ना, टोटली इनकी मोनोपोली हो जाती। लेकिन न्यू वैरायटी के जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसे पाने के लिए और उस तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इन्हें ये चीज़ प्रूफ भी करनी पड़ती कि ये सच में नई वैरायटी है। और इंडिया का जो क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्राइटेरिया ऑफ नॉवेल्टी होना ज़रूरी है अगर आप एक नई वैरायटी को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो। और यही क्राइटेरिया ऑफ नॉवेल्टी जो है ये यहाँ पर नहीं था, ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया, दैट इज वाई इनकी जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इनकी जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया गया, और उसका सीधा सीधा रीजन ये था कि जो क्राइटेरिया ऑफ नॉवेल्टी है ना बेसिकली ये मीट नहीं करता है, ठीक है। अब जब ये वाली रिक्वेस्ट इनकी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है बेसिकली, ठीक है, और जब ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है, रीजन बीइंग यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज ही ये पर्टिकुलर वैरायटी फुलफिल कर पा रही थी, सारे नहीं। और जो क्राइटेरिया ऑफ नॉवेल्टी है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके 1 साल पहले या उससे और पहले ये वैरायटी इंडिया में सेल के लिए आउट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बिक ना रही हो। आपने अगर एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपने 15th August 2023 को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी है, तो 15th August 2022 से पहले ये पर्टिकुलर वैरायटी इंडिया में सेल ना हो रही हो, अगर हो रही है देन इट डजंट मीट द नॉवेल्टी क्राइटेरिया। मतलब 15th August 2022 से पहले भी अगर ये वैरायटी मार्केट में थी, इसका मतलब है कि इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा और भी सारे क्राइटेरियाज थे, तो कुछ क्राइटेरियाज पे ये मीट कर पाई, कुछ पे नहीं कर पाया ये वाला एप्लीकेशन। अब बेसिकली यहाँ पे इशू आता है कि पेप्सिको ने फर्स्ट डेट ऑफ कमर्शलाइजेशन
गलत बताया था यहाँ पर. गलत कैसे बताया था, पेप्सिको के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेट ऑफ कमर्शियलाइजेशन इस पर्टिकुलर वैरायटी का था 2009, लेकिन एक्चुअल में चिले में ये जो वैरायटी है ये कमर्शियल हो चुकी थी 2002 में. तो बेसिकली जो एक्सटेंट वैरायटी का जो सर्टिफिकेशन था ना वो भी रिवोक कर दिया गया, वो रजिस्ट्रेशन भी रिवोक कर दिया गया दिसंबर 2021 में, ठीक है. और जब ये वाला रजिस्ट्रेशन रिवोक किया गया और पेप्सिको की जो रिन्यूएबल की एप्लीकेशन थी, रिन्यूअल की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई उसके बाद, तब पेप्सिको ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया. बेसिकली मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, जब FL-27 का बेसिकली जो इन्हें एक्सटेंड वैरायटी का सर्टिफिकेट मिला था ना 2016 में, तो ये लगभग 6 साल के लिए वैलिड था, ठीक है. तो इस हिसाब से ये 2022 में रिन्यू होना था, हालांकि दिसंबर 2021 में ही ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड थी IPR के रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिवोक कर दी गई और इनकी रिन्यूअल की जो रिक्वेस्ट थी, एप्लीकेशन जो थी, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया. अब बेसिकली जब पेप्सिको की रिन्यूअल की जो अपील थी ये रिजेक्ट कर दी गई, तब पेप्सिको ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया ये डिसीजन. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी का ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया और इन्होंने ये भी कहा कि रिवोकेशन ऑफ IPR प्रोटेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ पेप्सिको की गलती के वजह से था. इन्होंने कुछ गलत चीज़ें लाइक सबमिट करी, जैसे कि जो डेट ऑफ कमर्शलाइजेशन है वो इन्होंने गलत बताई, ठीक है. इसके अलावा इन्होंने न्यू वैरायटी का जो रजिस्ट्रेशन मांगा था वो भी गलत था, क्योंकि वो ऑलरेडी कमर्शलाइज हो चुका था, है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेप्सिको के अकॉर्डिंग ये जो डेट थी ये 2009 थी, जबकि चिले में 2002 में ये वैरायटी कमर्शलाइज हो चुकी थी. तो इन दो कारणों की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने PPVFRA की जो रूलिंग, जो डिसीजन था बेसिकली, उसे सही ठहराया और जो रिवोकेशन था IPR प्रोटेक्शन का वो भी सही ठहराया और इन्होंने ये कहा कि ये जो रिवोकेशन है ये सही है. बेसिकली ना तो आप इसे न्यू वैरायटी के तहत रजिस्टर कर सकते हैं और ना ही आपके पास आगे के लिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन रहेंगे. तो बेसिकली ये हमने केस पर बात की, क्या केस था FL-2027 का. अब आते हैं हम PPVFRA के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिकली क्योंकि इन्हीं के डिसीजंस थे शुरुआत में जो इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सर्टिफिकेट इशू किया था बेसिकली पेप्सिको इंडिया को, और उसके बाद PPVFRA का ही डिसीजन था उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो प्रोटेक्शन था उसे रिवोक करने का. तो PPVFRA बेसिकली ये प्लांट ब्रीडर्स फार्मर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001. इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और इसका जो मेन काम है इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स. इनका एक काफी क्रूशियल रोल रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केस में. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन प्लांट्स वैरायटी के लिए PPVFRA ही इशू करते हैं. बेसिकली जो भी प्लांट वैरायटी की रजिस्ट्रेशन होती है, प्लांट वैरायटी की जो भी रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए जो भी एग्जामिनेशन करने हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं एलिजिबल एप्लीकेंट्स को, ये काम होता है PPVFRA का, और सारे एप्लीकेशंस ये रिव्यू भी करते हैं. इसके अलावा PPVFRA के पास जो रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली प्लांट वैरायटीज का, उसे रिवोक करने या कैंसिल करने के भी राइट्स हैं, वो अथॉरिटी PPVFRA के पास है. इसके अलावा हम कुछ और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस देख लेते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हो रखे हैं पहले, ठीक है. ये हमने देखा कि किस तरीके से IPR प्रोटेक्शन की जो रेजीम है, IPR प्रोटेक्शन की रेजीम पेप्सिको ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी. इसके अलावा उन्होंने एक गलत सर्टिफिकेट की डिमांड की बेसिकली, जो एक्सटेंड वैरायटी का उन्हें सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिला हुआ था, बट दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर अ न्यू वैरायटी सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो कि सर्टेन क्राइटेरियाज ही मीट करता था, सारे क्राइटेरियाज मीट नहीं करता था, है ना. तो इसीलिए IPR का प्रोटेक्शन इन्हें नहीं मिला, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है. तो इसके पहले IPR के कुछ केसेस जो हैं उसमें आता है मोसांतो वर्सेस नूजी वीडो सीड्स. अब बेसिकली मोसांतो का एक IPR मतलब बेसिकली पेटेंट इनके पास था, है ना, इनके जो BT कॉटन है,
बीटी कॉटन के जो सीड्स हैं उसे बनाने का बेसिकली जो प्रोसेस है, प्रोसेस का पेटेंट मोसांतो के पास में था, है ना। लेकिन नोज़ेविडो सीड्स ने क्या किया कि उस प्रोसेस को यूटिलाइज करके बीटी कॉटन के सीड्स बनाए। हालांकि कोर्ट ने इस पर जो वर्डिक्ट दिया था बेसिकली वो ये दिया था कि नोज़ेविडो सीड्स ने रॉयल्टी नहीं पे की है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो मोसांतो ने रजिस्टर करा रखा है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो तो मोसांतो के पास में है, तो इन्हें बेसिकली रॉयल्टी पे कर देनी चाहिए, ठीक है। हालांकि बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। सेकंड आता है नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली नोवार्टिस ने एक सर्टेन एप्लीकेशन दी थी रिगार्डिंग एंटी कैंसर ड्रग के रजिस्ट्रेशन की। हालांकि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी, और ये इस बेसिस पे रिजेक्ट की गई थी कि बेसिकली ये कोई नया ड्रग नहीं है, ठीक है। और जब ये कहा गया तो इन्होंने नोवार्टिस ने बेसिकली इस डिसीजन को चैलेंज भी किया था। हालांकि फाइनली जो डिसीजन निकल कर आया कोर्ट का भी वो यही था कि ये कोई नया ड्रग नहीं है, इट्स जस्ट अ मेक ओवर ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग, ठीक है। इसके बाद फिर आता है एरिक्सन वर्सेस माइक्रोमैक्स का केस। अब होता क्या है कि जो इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर है माइक्रोमैक्स, ये एक्चुअल में कुछ 2G 3G या 4G से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज थी। अब बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजीज थी ये एरिक्सन की पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज थी, और एरिक्सन ने लाइसेंस लिए बिना ही इन टेक्नोलॉजीज को यूज किया, तो इस चीज पर केस बना था। सेम यहाँ पर भी वर्डिक्ट आया था कोर्ट का कि माइक्रोमैक्स ने बिना लाइसेंस ऑब्टेन किए मैन्युफैक्चरिंग की है और इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो माइक्रोमैक्स को बेसिकली एरिक्सन को रॉयल्टी पे करनी चाहिए। हालांकि बाद में ये मैटर भी आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल किया गया। तो ये हमने रिसेंट जो IPR के डिस्प्यूट्स थे वो देखे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इन्हें होता है ना अपने मेंस के आंसर राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, मोसांतो नोवार्टिस एरिक्सन के जो केसेस हैं, ठीक है। कैसे मतलब होता है ना कि जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करते हैं तो कोर्ट तक आप ले जा सकते हैं, और उसका कितना आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा कोर्ट भी डिसीजन देता है, जैसे एरिक्सन वर्सेस माइक्रोमैक्स के केस में या मोसांतो के केस में, कि आपने जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो बेसिकली आप या तो रॉयल्टी पे करिए या फिर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए, ठीक है। कोर्ट भी इस चीज़ पर क्लियर है कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनने अपना सर्टिफिकेट ले रखा है और उन्होंने टाइमली अपनी चीज़ें रजिस्टर कराई हैं, तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? और अगर आप यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू पे द रॉयल्टी, ठीक है। तो ये हमने देखा IPR का कुछ जो केसेस थे, और एक रिसेंट केस डिस्कस किया FL 2027 का, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। अब एक्चुअल में ये जरूरी क्यों हो जाता है, आप देखेंगे तो पेपर 3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, है ना। इसके अलावा इंडिया जो WTO का मेंबर भी है, इसके अलावा ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो अग्रीमेंट्स हैं, इंडिया उनका सिग्नेटरी भी है और उन्हें फॉलो भी करता है, दैट इज वाई इंडिया की भी IPR रेजीम जो है काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और IPR एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों जरूरी हैं, आप ऐसे सोचिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बिना कोई भी इनोवेटिव काम कर पाएगा? आप सोचिए, इनोवेटिव काम होगा क्या? होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा? इनोवेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होगी? आप ये सारी चीजें अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है। आपको थोड़ा सा समझाता हूं, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो कोई भी इनोवेटिव काम क्यों करना चाहेगा? आपने आज सपोज कोई भी XYZ चीज बनाई और किसी ने उसे कॉपी कर लिया, तो उसमें आपका फिर ओरिजिनलिटी कहाँ रह गया, नॉवेल्टी कहाँ रह गया? हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है, अब इसे एग्जैक्टली आप प्रॉपर्टी राइट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका चुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोर ऑर लेस होता तो वही है ये भी, हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरी चीज आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी नई चीज इनोवेट करना चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के किसी भी तरह की इनोवेशन हो पाएगी? किसी भी तरह का हम कोई नया कोई भी चीज XYZ नई अगर हम चाहेंगे तो क्या वो हमें मिल पाएगी? नहीं, पॉसिबल है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आप बताइए, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बिना इन्वेस्टमेंट्स के होती है? नहीं हो पाती है, नॉट पॉसिबल। तो आप सोचिए कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली नहीं हो पा रही है, ठीक है,
और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इनोवेशन नहीं हो पा रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन। रीजन भी, आपने कोई भी इनोवेशन किया कोई भी उसे कॉपी कर लेगा। आपने बहुत मेहनत करी, रिसर्च किया, उसके बाद आप एक कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसे कोई भी कॉपी करके और तुरंत के तुरंत अपना नया प्रोडक्ट बना के और होता है लॉन्च कर देता है। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन होगी ही नहीं, तो आप किसी भी तरह का नया प्रोडक्ट लेकर कैसे आएंगे, कोई भी इनोवेटिव काम क्यों करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आईपीआर की जो रिजीम है ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट बनी रहे, ओरिजिनलिटी बनी रहे, लोगों के इनोवेशन का उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। बेसिकली आप सोचिए ना, कंपनीज जो हैं काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च पे, ठीक है, रिसर्च पे काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं, तब जाके वो कोई नई चीज़, कोई नया इनोवेशन लेकर आ पाती हैं। और अगर उन बेसिक, मैं आपको बता रहा हूँ जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, आप उस तरीके से सोचिएगा कि कोई भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है आरएनडी में, तब जाके कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ पाता है, ठीक है। और अगर उन्हें एक सर्टेन टाइम तक उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या वो अपनी आरएनडी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज फैक्ट। आप देखेंगे कोई भी मार्केट में नई दवाई आती है जो बहुत इनोवेटिव होती है, तो उसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। रीज़न उसका सिर्फ ये है, जैसे ही जब वो काफ़ी मास मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हो जाती है, बल्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, तो उसका प्राइस अपने आप ही कम हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन वो कंपनी को काफ़ी लोग रॉयल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन शुरुआत में सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्राइसेस हाई रहते हैं, और उसका रीज़न ही है, आरएनडी में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, अगर कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं निकाल पाएंगी, तो फिर वो इनोवेशन में आगे क्यों पैसा डालेंगी? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पैसा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा पैसा होता है। तो दिस इज द रीज़न कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई भी प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है तो एटलीस्ट लोग उसे सीरियसली सीधे तौर पर कॉपी करके और अपना प्रोडक्ट ना बताएं। दिस इज द नीड ऑफ आईपीआर। और इंडिया, आप देख रहे हैं, इंडिया क्योंकि WTO का मेंबर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है, इसके बाद जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है बेसिकली, इसे भी इंडिया मानता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी जो आईपीआर रजीम है वो हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे भी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनका पेटेंट होगा और जिनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड। तो इसीलिए आईपीआर रजीम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, और इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की भी जाती है। अदरवाइज कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट आएगा भी नहीं ना, कोई क्यों अपना दिमाग कपाना चाहेगा और कोई क्यों आरएनडी में इन्वेस्ट करेगा अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ये हमने बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिकली मेंस 2022 पेपर 3 का, ठीक है। इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। क्योंकि हमने पेप्सिको की बात की है तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेसिकली 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया में। तो आप कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 11% है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि एनुअल ग्रोथ रेट अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का देखा जाए तो वो 10% से भी ज़्यादा है। और अगर आप होता है सिर्फ एग्रीकल्चर का एनुअल ग्रोथ रेट कंपेयर करेंगे तो इट इज़ नियर अबाउट 3-4%। तो आप देखिए ग्रोथ रेट का डिफरेंस कितना है, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग में, और होगी क्यों नहीं। आप दूसरे तरीके से अगर देखें तो अभी हमने पेप्सिको की बात की, पेप्सिको के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और जो ओवरऑल इनकम है लोगों की बढ़ रही है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन के चलते आप सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको आउट ऑफ द क्वेश्चन जा करके, अर्बनाइजेशन के चलते आप देखेंगे कि प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, प्रोसेस्ड फूड्स कितने ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। आप देखिए ब्रेड्स, केचप, ठीक है, इसके बाद आपका जैम्स है ना, बिस्किट्स। तो आप अगर देखेंगे तो ये सारा जो होता है ना कि फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। प्रोसेस फूड्स जो हैं, प्रिजर्व फूड्स जो हैं, जैसे आप ले लीजिए पिकल्स ले लीजिए, पहले तो क्या होता था कि वुमेन्स फॉर होम मेकर्स, ठीक है, वो आज भी हैं लेकिन पहले जनरली काफ़ी सारे वुमेन्स होती थी, तो टाइम होता था तो पिकल्स बहुत ईजिली वो लोग होता है कि यार अपना टाइम पास करते करते चलो कुछ नहीं है, पिकल अपना बनाना है तो बना लिया। बट आज के सिनेरियो में जब वुमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, तो उस केस में शायद पिकल्स का भी टाइम नहीं मिल पाता है बनाने का, एंड दैट्स अ फैक्ट। इसके अलावा अर्बनाइजेशन का अगर हम देखें तो आप बड़े शहरों में देखिए छत का एक्सेस नहीं है, ठीक है, और बालकनी में शायद लोगों के, बहुत से लोगों के पास तो बालकनीज भी नहीं होती हैं। पिकल्स का सीधी बात है कि अगर आप उसे सनलाइट में नहीं रखेंगे तो पिकल ठीक से तैयार नहीं हो पाता है। तो आप पिकल्स का ही देख लीजिए, पिकल्स की जो इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, तो फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है
वो ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगी, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ेगी, रीजन बीइंग अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में वो बढ़ रहा है। आप सोचिए अभी तो सिर्फ 30-35% जनसंख्या शहरों में रहती है, अभी तो लगभग 70% आबादी, लगभग 68-70% आबादी हमारी गांवों में रहती है, और ये आबादी भी कभी ना कभी तो शहरों की तरफ आएगी ही, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वेस की बात देखें तो कहीं ना कहीं रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है उसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, अब ये तो ओरिजिनल डेटा हमें सेंसस आने के बाद ही पता पड़ेगा, बट जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड्स बढ़ेंगी। ठीक है, डिमांड्स बढ़ेंगी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़नी है। ठीक है, तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि भाई सनराइज सेक्टर है, क्यों है, इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद उसकी एनुअल ग्रोथ रेट जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वो लगभग 10% है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 3-4% है ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात की जाए अगर, तो है ना। तो प्रोसेस फूड बेसिकली डिमांड है, इसीलिए भी तो आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं ना कि ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर हम अपने आंसर की बॉडी की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हम पहले डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड एक्चुअल में बढ़ रही है, उसका रीज़न आपको मैं बता दूं, आप जो लिखेंगे बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं इसीलिए भी डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इसीलिए भी डिमांड बढ़ रही है, और तीसरा जो रीज़न है बेसिकली कि जैसा मैंने आपको बताया था इनकम बढ़ रही है, तो बेसिकली आपको लिखना है डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रही है, दैट इज़ वाई डिमांड बढ़ रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और होता है ना कि काफ़ी काम डिवाइड हो जाते थे, और बड़ी फैमिलीज़ में है कि मतलब जो काम है मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता था, छोटी फैमिलीज़ में क्या है कि काम मैनेज करना मुश्किल है, घर के भी काम देखने हैं और फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ के इशू हो जाते हैं। तो इसीलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो मतलब प्रोसेस फूड है उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम सप्लाई साइड का देखेंगे तो सप्लाई साइड की तरफ भी आपको होता है ना पॉजिटिव्स ही दिखेंगे। अब जैसे अगर इंडिया के केस में देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स ठीक है, इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ठीक है, इसके बाद ऑलमोस्ट लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, तो ये सारी जो चीजें हैं इसके वजह से सप्लाई भी बढ़ी रहा है। अब ये हमने बात की स्कोप के बारे में, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस काफी सारे हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो आता है वो आता है कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, अब आप सोचिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा कैसे? बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड कैसे बढ़ेगी? आपको एक एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल है पतंजलि। अब आप सोचिए कि जो चीज़ें शायद पहले शहरों में एक्सेसिबल ही नहीं थी वो पतंजलि की वजह से बहुत इजीली एक्सेसिबल होने लगी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आंवले का जूस, लौकी का जूस, ये सब पतंजलि पे बहुत इजीली मिल जाता है, बट इनके लिए रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए ना। रॉ मटेरियल्स चाहिए, कहाँ से आएंगे? फार्म से, फार्म डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसके अलावा दूसरा फार्मर्स इनकम। अब आप सोचिए अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी ना, और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट तो कुछ चाहती है फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कि अगर फूड प्रोसेसिंग होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यार सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो अच्छे से काम कर पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट का इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके बाद आपका आ जाता है कि इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। जब फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो डिके है या फिर जो लाइक खराब होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप एक और चीज़ अगर देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं ये कम हो जाएंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया के केस में। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम कैसे होंगे कि भाई कोल्ड चेन एस्टैब्लिश होंगी, कोल्ड चेन से डायरेक्टली आप होता है ना कि कंपनीज को आप अपना जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई बार फार्मर्स के लिए जो कोल्ड चेन के चार्जेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जबकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में उस रेट पर बिक नहीं पाता, तो उन्हें होता है ना कि कई बार ऐसे ही फेंकना पड़ता है। जैसे आप आए दिन देखेंगे फार्मर जो हैं, जैसे अभी इस समय टमाटर 200 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन एक टाइम था जब टमाटर होता है ना कि पंजाब हरियाणा के फार्मर्स ने टमाटर 1 रुपये आधा रुपये पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा था, तो उन्होंने रोड पर फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि कोल्ड चेन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए ये लोग कोल्ड चेन्स में अपना मटेरियल रखते हैं फार्मर्स। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर जाती हैं, तो उन्हें अपना पैसा ही नहीं मिल पाता है। अब आप सोचिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डायरेक्टली वो लोग कोल्ड चेन से सप्लाई कर पाएंगे, उन्हें एक बेटर प्राइस भी मिल पाएगा, उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शेल्फ लाइफ इसके अलावा बढ़ जाएगी। इसके और जो बेनिफिट्स हैं, बेसिकली उन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ बात कर लें तो बेसिकली कंज्यूमर्स की जो चॉइसेस हैं वो बढ़ पाएंगी, है ना। बेटर चॉइस, काफ़ी सारी चॉइसेस होंगी उनके पास में। इसके अलावा एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा अगर आप देखें तो। कैसे? फार्मर्स का भी बेनिफिट है, कंज्यूमर्स का भी है, और नॉर्मल सिटीजन्स का भी है। कैसे है? फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए प्रॉपर प्राइस मिल पाएगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगे उनके पास कि उन्हें मार्केट में सेल करना है या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सेल करना है। कंज्यूमर्स के पास काफ़ी चॉइसेस होंगी रिगार्डिंग टेस्ट एंड वैरायटीज़। इसके अलावा सिटीजन्स का भी बेनिफिट है, रीजन बीइंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर कम हो जाएंगे तो होता है ना कि जब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्राइस है प्रोडक्ट्स की वो थोड़ी सी बैलेंस रहेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अगर ये बढ़ेगा तो, है ना। तो ये सारे बेसिकली इसके सिग्निफिकेंस हैं। और बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आप कंक्लूड करेंगे तो इंडिया में अच्छी ग्रोथ है और काफ़ी पोटेंशियल है, और गवर्नमेंट जो अभी अपने मेगा फूड पार्क्स जैसे जो इनिशिएटिव लेकर आई है उन्हें और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स पर्टिकुलरली इस सेक्टर के लिए और लाने की ज़रूरत है। हम चाहें तो इंडस्ट्रीज को थोड़ा और पुश दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बेनिफिट्स की बात की है, इसके सारे बेनिफिट्स देखे हैं, और इसके सारे बेनिफिट्स को देखते हुए हमें थोड़ा एडिशनल पुश देने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, और क्योंकि 10 मार्कर है तो इतने में आपके जो वर्ड लिमिट है दैट विल बी फुलफिल्ड। लगभग आप इतना अपना जो 150 वर्ड्स का लिमिट है वो आपका पूरा हो जाएगा इतने में। बाकी आप चाहें तो थोड़ा बहुत एलैबोरेट जो पॉइंट्स हमने बात की है उसको कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी रिगार्डिंग द IPR इशू ऑफ FL 2027। हमने देखा कि क्या उसमें कंसर्न था, IPR की क्यों ज़रूरत है, और बेसिकली लास्ट में हमने एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, काफ़ी लंबी हो गई। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें यार। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हैं किसी सर्टेन टॉपिक पे तो प्लीज़ डू टेल मी, आपको वो जल्दी ही मिल जाएगा, फॉर श्योर वो बना दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।